ओम गणेशाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः। गणपति उवाच सर्वजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ, देखिए आज आपसे फिर विशेष चर्चा करने के लिए। मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, यानी मैं 2 अगस्त 2023 के लिए राशि बन दे रहा था, तो अब तक मैं 10वीं राशि मकर राशि पे आ गया हूँ। तो मकर राशि की मैं चर्चा करूँ, उससे पहले निवेदन करूँ कि जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जाते जाते कमेंट में माँ गणेश नमन लिखेंगे, भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और मैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो देखिए मकर राशि वालों के लिए बता रहा हूँ, मकर राशि के लिए देखिए ग्रह गोचर बड़े ग्रह शनि जो है धन भाव भाव में बैठे हैं। कुंभ राशि में बड़े अच्छे धन भाव में है तो धन तो देंगे देंगे, क्यों शनि की राशि खुद की अपनी अपनी प्रिय राशि है। शनि अपनी राशि कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं धन भाव में। और देखिए बृहस्पति मेष राशि में राहु के साथ है, यहाँ पर चौथे भाव में सुख भाव में राहु का कोई निगेटिव असर नहीं है। और राहु जहाँ भी पंचम सप्तम नवम दशम देखेंगे वहीं बृहस्पति भी देखेंगे, तो राहु की निगेटिविटी बृहस्पति पॉजिटिविटी में बदल देंगे। वैसे भी राहु बाल्यावस्था में चले गए, अब 4-5 डिग्री पे आ गए और बृहस्पति 17-18 जवान हो गए, बहुत ज़्यादा जवान हो गए। तो बृहस्पति का जो है स्ट्रांग बृहस्पति, राहु तो बच्चा हो गए तो कोई नुकसान नहीं है। बृहस्पति देखिए चौथे भाव में बैठ करके 10वें भाव को देखेंगे, कार्य क्षेत्र को देखेंगे और केतु यहाँ बैठे हुए। अच्छा अब देखिए जो ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है जो ट्रांजिट में है वो क्या है। देखिए शुक्र जो है कर्क राशि में आए 17 जुलाई को, कर्क राशि में शुक्र सूर्य आए यहाँ पर और सूर्य यहीं रहेंगे और 17 अगस्त को यानी एक महीने बाद 17 अगस्त को यहाँ आ जाएंगे पंचम अपनी राशि में। तो राशि लॉर्ड ग्रहों के राजा सूर्य अपने घर में आ रहे हैं, जहाँ सेनापति मंगल युवराज बुद्ध बैठे हुए पहले से स्वागत कर रहे हैं। सेनापति युवराज स्वागत करेंगे बड़े धूमधाम से सूर्य का, राजा तो राजा सेनापति युवराज सब मिलकर के वेलकम करेंगे, लेकिन अष्टम भाव में है। और देखिए सूर्य 17 को जो आ गए, शुक्र यहाँ थे, शुक्र और बुद्ध मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बनाया था 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, और 7 अगस्त को बकरी शुक्र ही यहाँ आ गए चौथी राशि में। यहाँ बकरी भी है और सूर्य बैठे हैं तो यहाँ सूर्य के साथ 8 अगस्त से अस्थि हो गए वो, बाद में सूर्य यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे 18 अगस्त से, तो फिर शुक्र उदित हो जाएंगे। बकरी हैं चलेंगे बकरी और 4 सितंबर तक बकरी 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 4 सितंबर को भी मार्गी हो जाएंगे, मार्ग होकर चलते रहेंगे और फिर 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर को यहाँ आ जाएंगे सूर्य की राशि। अब मंगल देखिए यहाँ बैठे हुए पूरे महीने शुरू से लेकर 17, 18, 19 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, 18 अगस्त को आएंगे, 19 समझ लीजिए 19 को इफेक्टिवली रात को आएंगे 18 को मान लीजिए, तो ये यहाँ पर आकर कन्या राशि भाग्य में मंगल आ जाएंगे। कन्या राशि भाग्य में भाग्य तो बढ़ाएगी बढ़ाएगी। तो ये तो ग्रह गोचर रहा भाई मकर का, मकर सिंह शनि की राशि है, शनि धन भाव में बैठे हुए हैं मकर के लिए। तो 4th हाउस में बृहस्पति राहु के साथ और 12वें भाव में देखिए धनु राशि है बृहस्पति, ये खर्चा कराएगी विदेश से, विदेश से बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं तो दृष्टि पड़ रही बृहस्पति की नमी, तो विदेश में अगर व्यापार है विदेश में नौकरी है तो लाभ मिलना, वरना बृहस्पति की राशि खर्चा तो जरूर कराएगी। धन का धन तो नष्ट होना यानी बाहर जाएंगे तो आने जाने में हो, और बृहस्पति की वजह से अगर आपका कोई बाहर काम है तो फिर धन आएगा लाभ आएगा, वरना बीमारी में खर्चा हो सकता है, अस्पताल का खर्चा हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टि देखिए जाना पड़ रही है यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 ये अच्छी नहीं है, 6, 7 ये अच्छी है, 8, 9 ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है बृहस्पति की दृष्टि, कर्म स्थान नहीं बस। और देखिए सूर्य जो है मैंने बताई थी आपको कि सूर्य जो है यहाँ तक यहाँ थे अच्छे थे, ये आगे खराब भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर थे शुक्र भी तो पार्टनर्स को 7 तारीख तक नहीं, शुक्र तो 7 को आएंगे यहाँ, अस्त तो आएंगे बकरी आएंगे तो ज्यादा लाभ नहीं दे पाएंगे, पर सूर्य थे यहाँ पर चंद्रमा की राशि में पार्टनर से लाभ दिला रहे थे यहाँ
शुक्र की राशि है, बिजनेस में लाभ दे रहा है। शुक्र जो है देखिए यहाँ भी, यहाँ तो अष्टम भाव में तो कोई ग्रह ज़्यादातर ग्रह खराब फल देंगे, तो यहाँ पर चूंकि थोड़ा शेयर मार्केट से थोड़ा लॉटरी से थोड़ा सा गुप्त धन से फायदा हो सकता है। वैसे तो देखिए शनि की साढ़े साथी के आखिरी ढाई साल है मकर राशि पर और शनि धन भाव में है, तो धन की हानि होगी, पार्टनरशिप में व्यापार में हानि होगी। नया काम शुरू करना चाहते हैं तो अभी समय ठीक नहीं है। कैरियर के क्षेत्र में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। देखिए प्रेम में और रिश्तों में बिना किसी कारण के गलत फहमी हो सकती है। सूर्य बैठे हैं यहाँ पर और शुक्र भी अस्त हो जाएंगे, तो प्रेम अस्त हो गया, शुक्र प्रेम का प्रतीक है शुक्र, तो प्रेम में आपको थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आर्थिक समस्या से देखिए साथ साथ परिवार में समस्या आएंगी, जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, कभी कोई बहस हो सकती है, परिवार में भी थोड़ा बहस हो सकती है। और जीवन के पथ में देखिए यहाँ पर जब विकास के पथ में आप बढ़ेंगे आगे तो आपको रोड़े उत्तरार्ध में सूर्य आगे और मंगल बुध भी हैं, तो विकास के बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। यहाँ बुध की राशि है, बुध अच्छे नहीं है तो बीमारी भी आएगी, पुरानी बीमारी आ सकती है, दांत में दर्द, आँख में दर्द, धन की हानि बृहस्पति की वजह से। तो भाई ये मकर राशि के लिए विदेश यात्रा तो संभव है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो विदेश में आपका कोई संबंध हो, कोई काम हो, नौकरी हो, व्यापार हो, तभी तो जाओगे, ऐसे क्यों जाओगे, ऐसे विदेश जाओगे घूमने तो खर्चे खर्चा होगा, तो धन का व्यय तो हो ही होगा भाई, बृहस्पति धन का व्यय कराएंगे। तो भाई अगस्त का महीना मकर राशि वालों, मैं तो नहीं कहता हूँ अच्छा आपके लिए, बीमारी भी आपको तंग करेगी, बुध की राशि है, बुध खराब बैठे हैं, और देखिए पति पत्नी का संबंध भी शुक्र अष्ट अवस्था में आ गए और सातवें भाव में, तो प्रेम प्रसंग में भी गड़बड़ी जाएगी। और शुक्र की राशि यहाँ भी है पंचम भाव में, शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, और शुक्र यहाँ भी अच्छी नहीं थे आठवें भाव में, यहाँ अष्ट अवस्था में आए तो देखिए पाँचवें भाव में शुक्र की राशि ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगी। प्रेमी है कोई आपका तो उससे भी अच्छा संबंध नहीं रहेगा, संतान कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ने का मन उचट जाएगा, एजुकेशन के क्षेत्र में ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। देखिए ये केवल अच्छा है कि बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं, बृहस्पति की राशियाँ जो हैं यानी ये बारहवीं राशि, नवीं राशि और बृहस्पति खुद की पोजिशन बहुत अच्छी है, तो चौथे भाव में बृहस्पति बैठकर सुख साधनों की वृद्धि करा रहे हैं और दृष्टि पड़ रही है दसवें भाव पर, तो उससे भी लाभ करा रहे हैं नौकरी में भी और व्यापार में, और कोई नया काम तो आप शुरू नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है तो खर्चा होगा, यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, यात्रा होगी उससे लाभ मिलेगा, परिश्रम करेंगे तो लाभ मिलेगा। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँ मकर राशि के लिए अगस्त का महीना अच्छा नहीं, बीच का है, मध्यम है। मैं थोड़ा नमस्कार।